मेरे को आपसे एक सवाल पूछना है, मेरा पर्सनल है, ये ऑडियंस का नहीं है। आपका जो अभी लेटेस्ट सुपरहिट सॉन्ग था पल पल ना माने टिंकू जिया, इश्क का मंजन घिसे है पिया, कौन सा मंजन किधर घिसते हैं? ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनेंस जो होता है ना, ये वो जो मंजन है, वो मंजन दिल पर घिसा गया, वो मंजन को दिल पर घिसा गया और हर आशिक पिसा गया। हमको माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दीजिए। एक्सक्यूज मी, आप कौन है? ये क्या एंटीना लगा के आगे किस, ये क्या कर रहे हैं? गिड़गिड़ा के माफी मांग रहे हैं? हम अभी गलती हुई नहीं है, गलती हमसे होगी उसके लिए माफी मांग रहे हैं। गलती हमसे होने वाली है। क्या है कि हम आपकी तरह लिखते हैं तो हमको एक मौका चाहिए लिखने का। तो आपको मौका चाहिए? जी हाँ। आप गाने लिखते हैं? जी हाँ। आप चाहते हैं अनु जी उसको डायरेक्ट करें? बस जो भी करें, बस हमारा भला करते बस। चलिए बताइए क्या लिखा है आपने, बताइए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। एक्सक्यूज मी, ये पागल ना बनाए आप हमें, ये गाना तो ऑलरेडी आ चुका है। आपने ये गाना हमें सुनाकर क्या प्रूव करना चाहा? मैं हमने कुछ प्रूव नहीं करना चाहता। हम कौन सा कह रहे हैं कि हमने गाना लिखा है? हम तो ये प्रार्थना कर रहे हैं अनु जी कि ईश्वर हमको शक्ति दो ताकि हम आपको गाना सुना सके। जोड़ो सब हाथ जोड़ो, गाइए गाइए। नहीं, हम तो लिखते हैं, देखिए हमारी कलमें कितनी हैं। गाने का धंधा नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं इतनी शक्ति हमें, हाथ तो जोड़ो। ये कलम भी अभी मुझे लगता है यहाँ जो पड़े हुए माफी मांग रहे हैं आपसे। आप अब मेन लाइन पर आइए, आप इधर घुमा के बात करिए। हाँ, गाना है हमारा ठोको के। गाना कैसे ठोको की थोड़ी है। जो चीज सामने आए सिद्धू जी ठोक देते हैं। हम लेखक हैं, कारपेंटर नहीं हैं। नहीं ठोक सकते की तरह। गाना प्रस्तुत है। हाँ। एक सेकंड अनु सर, आप प्लीज बैठ जाइए। यहाँ पे बहुत सारे पागल लोग आते हैं, मैं नहीं चाहता आप थक जाएं। हाँ, बहुत पागल आते हैं यहाँ पे, ये तो बात ठीक है। चलिए अभी आप सुनाइए। ना ट्रेन में, ना फूलों में, ना रसोई में, ना रेन में, डर लगता है तो तेरे दिए हुए पेन में। मैंने ना ये आपकी जो चूटियां ना दोनों, हाँ जी, यहां से पकड़ के ना आपको ऐसे घुमा देना है मैंने। ये क्या, ये गाना सुनाया आपने? आप जो है इस पे धुन बनाना चाहेंगे कि आपको अच्छा लग रहा है? सिचुएशन ये हो चुकी है कि इम्तिहान की घड़ी कभी खत्म नहीं होती जी। हर किस्म के लफ्ज आते हैं और उस पर गाना बनाना पड़ता है। ये फैक्ट जनता वालों को बताना चाहते, बेटा बैठे रहो, यही तबर जगह है। क्या है कि हर लफ्ज पर गाने बनाने पड़ते हैं। एक लफ्ज बोलिए। ना फूलों में, ना ट्रेन में, बस। अच्छा, ये ट्यून अभी बन रही है ना। ना फूलों में, बहुत अच्छी। ना ट्रेन में, बहुत अच्छी। ना बेटा, बहुत अच्छे, बस बोलो। ना फूलों में, क्या लिखा है? ट्रेन में, आगे आगे। ना रसोई में, आप गाओ मत। आप लेखक हैं, आप संगीतकार बनने की कोशिश मत करना। हमने अगली दुनिया में जो लाइन है वो गैस कर ली। फूलों में, ना ट्रेन में, आगे। ना रसोई में, गाओ मत बेटा, बोलो बोलो बोलो। ना रसोई में, ना रसोई में, ना रसोई में, ना रेन में, ना रसोई में, ना रेन में, ना रेन में, सेम तो है। आगे बोलो। दर्द मिलता है तो, दर्द मिलता है तो, वाह वाह, दर्द मिलता है तो, तेरे दिए हुए पेन में, तेरे दिए हुए पेन में, दर्द मिलता है तो, तेरे दिए हुए पेन में, ना लड़ो, वाह वाह, तेरे लिए, तेरे लिए, दर्द मिलता है। अबे कॉन्सर्ट में गाना तू। बहुत मुबारक हो, आपका गाना अनु जी को पसंद आ गया है। थैंक यू, गाना सिलेक्ट हो गया है भाई हमारा। बाबा सिचुएशन है, उंगली दी तो हाथ पकड़ लिया। गाना सिलेक्ट हो गया है भाई अनु जी, अगली बार जब आप हमको गाना देना तो एडवांस में नोटिस दिया करे, दो दिन काम से इंस्टेंट लिखा नहीं जाता है। वैसे अच्छा धुन बना लेते हैं आप। हाँ, मैंने एक सलमान खान को भी मद्देनजर रखते हुए गाना लिखा है। न तन से, न मन से, न धन से, सरकार डरती है तो अन्ना के अनशन से। अन्ना जी,
इसकी कंपोजिशन हारमोनियम से नहीं होगी, मैं आपको बताता हूँ, इसकी हंटर से होगी। मैं लेके आता हूँ जरा। ऐसी कौन सी बात है आप? आप, मैं हंटर लेके आता हूँ। अरे आप ये जो हंटर की बात नहीं है, हंटर मिलनी है इसी से हमको। देखो इस शो में हमारी हर बार ऐसी एग्जिट क्यों होती है? 1 2 3 लेकिन अनु सर आपने उसकी कुछ भी बोली हुई वाहियात लाइनों को कितने अच्छे तरीके से कंपोज किया। जोरदार तालियां अनु मलिक के लिए। क्या बात। वाकई बहुत बड़ा आदमी लिखा है तुम्हारी किस्मत में। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आप तो ऊपर वाले से पूछिए क्या मैं ऊपर आ सकता हूँ। आप क्या पूछ रहे हैं मेरे से? बिल्कुल। मम्मी जी मुझे इस बुड्ढे से शादी नहीं करनी। लपेट ले बुआ, वैसे भी तेरे से 2 साल छोटा लग रहा है। चुप कर, क्या पता अपने लड़के की बात करने आया हो। ओ चाचा किधर है? अरे मैंने डिसाइड किया कि मैं उसी घर में रिश्ता करूंगा जहाँ पे बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे होगा। डॉक्टर ने सीढ़ी चढ़ने से मना किया है। अच्छा, डॉक्टर ने सीढ़ी चढ़ने से मना किया है? हाँ। घोड़ी चढ़ने से मना नहीं किया डॉक्टर ने? बुड्ढा आते ही बेडरूम का एड्रेस पूछ रहा है। मम्मी अगर बुड्ढा इतना तेज है तो लड़का कितना तेज होगा। आइए आइए, जिस स्पीड से ये आ रहा है ना उसको 4 साल लगेंगे। आओ बैठो। मालगाड़ी है, मालगाड़ी। आइए 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 आइए। पहले तो हम सांस लेंगे फिर खांस लेंगे। दोनों कर लो। मैंने कहा तो पहले गंगा जल ले लो। क्या बोला, चाय तक जिंदा रहो ना रहो। खलखली। सुनिए, लड़का कहाँ है? हम ही हैं लड़के। आपको ऐसे नहीं लग रहा कि शादी के हिसाब से आप बहुत आगे बढ़ चुके हो? हमको पहले लगता था, लेकिन जब हमने अखबार में इश्तिहार देखा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। मिस्टर नवजोत। हाँ जी। हम दहेज में कुछ नहीं लेंगे। क्या बात है, बस लड़की 2 कपड़ों में आ जाए बस। इस उम्र में अगर तूने 4 कपड़ों से कम देख ली लड़की, तेरा अपना चौथा आ जाएगा। रिश्ते की बात तो करने दे प्लीज। अरे रिश्ते की बात करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। लड़की हमको पसंद है। हाँ। बस एक बार आप हाँ कह दो। मेरी तरफ से तो बिल्कुल हाँ है। एक बेटी से पूछ लूं। बेटी? हाँ? लेकिन अखबार में तो लिखा था लड़की बिल्कुल फ्रेशनर है। हाँ, फ्रेश है बिल्कुल। है? अभी तक हमारी बुआ की किसी से हाफ सगाई भी नहीं हुई। अरे आप बार बार इनको क्यों आगे कर रहे हैं? अखबार में इनका फोटो लगा हुआ है। एक टीवी सीरियल टाइप क्या करने की जरूरत नहीं है। ये देखो अखबार, ये देखो। हाँ, मर गई। इनका है। बेड़ा गर्क। लोग सीमेंट की आड़ में जवान लड़की की फोटो देते हैं, जवान लड़की की आड़ में गिरती हुई दीवार की फोटो देती है। पूरी गोड़ी लाल लगाओ। तो पिक्चर में क्या करो, गलती से मैंने अपनी तस्वीर चिपका दी। गलती? कोई गलती नहीं, गलती से अगर रेगिस्तान में
बरसात हो जाए तो उसे गलती नहीं कहते। ध्यान से बुड्ढा लैंड हो रहा है, चढ़ना जाए किसी पे। मैं क्या, कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं मेरे देव बाबू। अरे मैं तो जॉगिंग भी बहुत अच्छी कर लेता हूँ, मैं ज्यादा दूर तक जा नहीं पाता। मैं अगर तुम मेरी ट्रेडमिल बन जाओ तो दूर तक जाना ही नहीं पड़ेगा। क्यों बुद्धि मोशाई? तेरे भी माँ की। मुझे लगा तुम दोनों को यहाँ पे छोड़ दिया, तुम लोग कोई ना कोई गलत कदम उठा लोगे। ये कौन है? अरे ये मेरी नर्स है। नर्स? ये क्या हो रहा है? ये मेरा बीपी चेक कर रही है। मेरा खुद का बड़ा हुआ तुम। अगर मेरी बीवी को हाथ लगाया तो सुपड़ी में घूरी। ए पुट्टन, जब साले तेरी ऑलरेडी शादी हुई थी तो यहाँ पे क्या करने आया तू? अरे क्या आदमी दो दो सब्जियां नहीं खाता डिनर में? ऑलरेडी तेरे पास चिकन तंदूरी था तो ये सड़े हुए टिंडे खाने क्यों आए? बुड्ढे दादी रुक जरा एक मिनट। साले क्या स्टैचू टिंडे खाएगा? कैचू मारना नहीं वरना मैं ये शीशी अपने सिर पे मार के मर जाऊंगा। दादी ठोक इसको, ठोको नहीं।